दोस्तों आज के समय में अनेक प्रकार के पेंट कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट आपको भारतीय बाजार में देखने को मिलेगा, लेकिन एक आम आदमी के लिए यह सुनिश्चित कर पाना कि वह अपने घर के लिए कौन से कंपनी का पेंट खरीदे, यह सुनिश्चित कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पेंट की रेट और उसकी क्वालिटी के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। तो वैसे में उसको पेंट खरीदने और पेंट की कंपनी का चयन करने हेतु काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में ऐसे 8 पेंट कंपनियों के बारे में बताऊंगा जिनका पेंट आप आसानी से खरीद सकते हैं। इनकी प्रोडक्ट की रेट के साथ साथ क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमल बिल्ड मार्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। दोस्तों नंबर 8 पे आता है शालीमार पेंट। दोस्तों शालीमार पेंट का नाम आप लोगों में से कई लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, शालीमार पेंट की स्थापना 1902 में हुआ था और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। शालीमार पश्चिमी एशिया क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर पेंट कंपनी है। दोस्तों भारत में शालीमार पेंट कंपनी की 3 फैक्ट्रियाँ हैं। शालीमार कंपनी की पेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और इसका रेट भी काफ़ी सस्ता होता है। अगर आपके एरिया में शालीमार है तो आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं, इसकी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। 7वें नंबर पे आता है दोस्तों निप्पॉन पेंट। दोस्तों निप्पॉन पेंट एक्चुअली जापान की कंपनी है, जापान बेस्ड कंपनी है, लेकिन पेंट बनाने के क्षेत्र में इसको लगभग 140 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। यह सबसे पुरानी कंपनी है और पूरे एशिया का नंबर 1 पेंट बनाने वाली कंपनी मानी जाती है निप्पॉन पेंट को। निप्पॉन पेंट प्रोडक्टिव, डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल पेंट बनाने के लिए काफ़ी फेमस कंपनी है। भारत के सभी जगह निप्पॉन पेंट उपलब्ध नहीं हो पाता, लेकिन अगर आपके एरिया में निप्पॉन पेंट उपलब्ध है तो आप बेझिझक इसको खरीद सकते हैं, इसकी भी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों 6ठे नंबर पे आता है दोस्तों एक्जोनेबल डुलक्स पेंट। आप लोग डुलक्स पेंट को भली भांति जानते होंगे। डुलक्स पेंट की स्थापना 1932 में किया गया था। इंडिया में डुलक्स पेंट का हेड ऑफिस गुड़गांव हरियाणा में स्थापित किया गया है। डुलक्स कंपनी पेंट बनाने के लिए काफ़ी मशहूर कंपनी है। यह पेंट के साथ साथ कोटिंग मटेरियल भी बनाती है। भारत के अनेक क्षेत्रों में डुलक्स पेंट का आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसको आप खरीद सकते हैं, इसका रेट और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपके एरिया में है तो आप इसको ज़रूर खरीदें। दोस्तों 5वें नंबर पे आती है इंडिगो पेंट। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो पेंट कंपनी सन 2000 में पेंट बनाना चालू की थी। शुरुआती दौर पे इंडिगो पेंट लोअर सीमेंट बेस्ड पेंट बनाती थी, लेकिन आज के समय में अपने यूनिक प्रोडक्ट के साथ पूरे इंडिया में फैल चुकी है। इंडिगो पेंट हर एक प्रकार का पेंट बनाती है। इंडिगो पेंट ही भारत में पहली बार मेटेलिक पेंट और फ्लोर कोटिंग पेंट को मार्केट में लॉन्च किया था। इंडिगो पेंट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपके एरिया में इंडिगो नामक पेंट कंपनी है तो आप इसको ज़रूर खरीदें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों 4ठे नंबर पे आती है ब्रिटिश पेंट। ब्रिटिश पेंट की स्थापना 1914 में किया गया था और इसका कॉरपोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में बनाया गया है। आज के समय में ब्रिटिश पेंट को पेंट बनाने के लिए लगभग 100 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। दोस्तों ब्रिटिश पेंट इंटीरियर और एक्सटीरियर, वॉल एवं वुड दोनों के लिए पेंट बनाने हेतु काफ़ी फेमस कंपनी है। दोस्तों इसके अलावा ब्रिटिश पेंट डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल पेंट वारंटी के साथ मार्केट में लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी चलता है। दोस्तों ब्रिटिश पेंट अपने कई ऐसे प्रोडक्ट में 3 से लेकर 7 साल तक की वारंटी भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। अगर आपके एरिया में ब्रिटिश पेंट उपलब्ध है तो इसको ज़रूर खरीदें, ब्रिटिश पेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यह काफ़ी अच्छी पेंट बनाने वाली कंपनी है। 3रे नंबर पे आता है नेरोलैक पेंट। नेरोलैक पेंट को 1920 में स्थापित किया गया था। इसका हेड ऑफिस मुंबई में स्थापित किया गया है। यह भारत की 3री सबसे बड़ी पेंट बनाने वाली कंपनी के लिस्ट में शामिल हो चुका है। दोस्तों नेरोलैक पेंट आज के समय में भारतीय मार्केट में काफ़ी विश्वसनीय नाम बन चुका है। इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा दोस्तों नेरोलैक पेंट कंपनी कोटिंग इंडस्ट्री का मार्केट लीडर बन चुका है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपके एरिया में नेरोलैक पेंट उपलब्ध है तो आप इसको ज़रूर खरीदें, यह भी काफ़ी फेमस कंपनी है, इसकी भी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों
दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों बर्जर पेंट। भारतीय मार्केट में पेंट बनाने के क्षेत्र में बर्जर पेंट का नाम दूसरे नंबर पर आता है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट बनाने वाली कंपनी बन गई है। बर्जर पेंट की स्थापना 1923 में किया गया था और इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में बनाया गया है। बर्जर पेंट का पूरे भारत में 16 से भी ज़्यादा पेंट बनाने की फैक्ट्रियां स्थापित किया गया है और भारत के अलावा नेपाल, पोलैंड और रूस जैसे देशों में बर्जर पेंट का स्टॉक पॉइंट यानी डिपो बनाया गया है, अर्थात वहां भी इनको सप्लाई किया जाता है और वहां भी इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है दोस्तों। बर्जर पेंट की क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त होती है। अगर आपके एरिया में बर्जर पेंट है और आप इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को अगर पेंट कराना चाहते हैं अपने घर के वॉल को, तो आप बर्जर पेंट खरीद सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों नंबर वन पर जिसका नाम लेना चाहता हूँ उसको आप सब लोग जानते होंगे, इंडिया का नंबर वन पेंट कौन सा है? तो दोस्तों एशियन पेंट है। जी हाँ दोस्तों, एशियन पेंट को इंडिया का नंबर वन पेंट कंपनी माना जाता है और वही एक इंडिया का नंबर वन पेंट कंपनी भी है। एशियन पेंट को सन 1942 में स्थापित किया गया था और इसका हेड ऑफिस मुंबई में स्थापित है। भारत के गली गली और मोहल्ले मोहल्ले अर्थात हर एक शहर में एशियन पेंट का डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर आपको देखने को मिल जाएगा और यह नाम से बिकने वाला पेंट है दोस्तों। एशियन पेंट में इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल के लिए लग्जरियस पेंट, स्पेशल पेंट जो एंटी बैक्टीरियल होता है, वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके घर को आकर्षक और लग्जरी बनाना है तो एशियन पेंट का रॉयल वगैरह आप सीरीज खरीद सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी आकर्षक लुक देता है दोस्तों। ये थी दोस्तों इंडिया की टॉप ऐसी कंपनी जिनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है और रेट भी अच्छा होता है, जो भारतीय मार्केट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपके एरिया में इनमें से कोई भी उपलब्ध है तो आप इनमें से किसी एक को खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि 1000 कम से कम 1000 लाइक तो आएगा ही, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।